नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। भूत का साया बताकर फसाया, पीड़ित परिवार से ही ड्राई फ्रूट्स व्यंजन महंगे कपड़े मंगवाता रहा, मृत्यु दोष और घर में भूत का साया बताकर दिल्ली के तांत्रिक ने एक परिवार को फंसाया, माँ बाप की मौत का डर दिखाकर बार बार परिवार की बेटी से रेप किया, घर वाले बाहर जॉब करते रहे इसके बाद भी रेप करता रहा, युवती ने घर से भागकर 19 मार्च को तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने पीड़िता के घर से ही 20 मार्च की रात को तांत्रिक को गिरफ्तार किया, मामला अजमेर के आदर्श नगर इलाके का है। एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया कि तांत्रिक राजेंद्र कुमार वाल्मीकि 49 वर्षीय पुत्र विश्वंबर दयाल को गिरफ्तार किया, वह गुलाबी बाग प्रताप नगर कृष्णा गली नंबर 4 नई दिल्ली का रहने वाला है। 19 मार्च को 22 साल की पीड़िता थाने गई थी, युवती ने राजेंद्र के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था। उसने बताया था कि वह परिवार के साथ रिश्तेदार की शादी में दिल्ली गई थी, दिल्ली में उसके पिताजी के मामा ने तांत्रिक राजेंद्र सिंह से मिलवाया था, बाबा की बातों में पिता फंस गए और अपनी परेशानी के बारे में बताया। 22 से 23 फरवरी को तांत्रिक आदर्श नगर अजमेर आया और परिवार को डराया कि घर में मृत्यु दोष है, एक खतरनाक भूत भी रहता है, उसने छोटी बेटी फिर पिता और फिर उसकी मृत्यु होने का भय दिखाकर उपाय करने की बात कही, बाबा 4-5 दिन घर पर ही रहा। 27 फरवरी को बाबा ने कहा कि जो पूजा करेगा वह आपके घर के सबसे ऊपरी हिस्से में रहेगा, पूजा में बड़ी संतान का शामिल होना जरूरी है, पूजा की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रूपये भी मांगे। बातों में आ गए माता पिता, तांत्रिक की बातों में आकर घर वालों ने बेटी को अकेले उसके साथ सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज दिया, घर वाले कमरे के बाहर जाप करने में लग गए, इस दौरान बाबा ने उसके साथ जबरदस्ती की, मना करने पर बोला कि पूजा ऐसे ही होती है, तुम्हारे घर में गंदी बला है और यह गंदे तरीके से ही जाएगी, अगर यह पूजा पाठ नहीं की गई तो जल्द ही तुम्हारे माता पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। इससे पीड़िता डर गई, डर का फायदा उठाकर बाबा ने रेप किया। तांत्रिक ने इसके बाद मुरैना मध्य प्रदेश के मंदिर की धर्मशाला में भी रेप किया, होली से पहले भी घर पर आकर वापस पूजा पाठ के नाम पर रेप किया, पुलिस को भी शैतानी ताकतों का दिखाया डर। एडिशनल एसपी ने बताया कि 19 मार्च को पीड़िता थाने आई, उसने कहा कि तांत्रिक घर आया हुआ है, वह घर गई तो वापस रेप व शोषण करेगा, पुलिस पीड़ितों के घर पहुंची तो तांत्रिक ने रफू चक्कर होने की कोशिश की, रात में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस पहुंची तो तांत्रिक ने दबाव बनाने का प्रयास किया, पुलिस को भी अपनी शैतानी ताकतों से डराने की कोशिश की, पुलिस की सख्ती के आगे ढोंगी तांत्रिक की एक न चली, पूरी वारदात कबूल की, इसके बाद 20 मार्च की रात उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई, 21 मार्च की शाम पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया, परिजन के मना करने के बाद भी युवती थाने पहुंची, बेटी ने साहस का परिचय देते हुए परिजनों के मना करने के बाद भी थाने तक पहुंची, तांत्रिक को गिरफ्तार करवाया, पढ़े लिखे समझदार लोग भी तंत्र मंत्र झाड़फूंक के चक्कर में तांत्रिकों का शिकार हो जाते हैं, अजमेर की बेटी ने समाज को सबक सिखाने के लिए अपने साहस का परिचय दिया। महंगे कपड़े और ड्राई फ्रूट्स का शौक, तांत्रिक भूतों से लड़ने के बहाने परिवार से ड्राई फ्रूट्स, महंगे मेवे और अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलाने के लिए कहता था, अच्छे और महंगे कपड़े मंगवाकर अपने शौक पूरे करता था, पीड़िता के परिजनों को युवती का मोबाइल जब्त करने के लिए कहता था ताकि पीड़िता किसी को फोन पर उसकी पोल न खोल दे, युवती के चिल्लाने पर माँ बाप को विश्वास दिलाता था कि तथाकथित भूत बड़ा ही शक्तिशाली था, उसके साथ उसे 2-2 हाथ करने पड़े, इस कारण युवती और तांत्रिक को चोटें आई हैं, 10 किलोमीटर दूर भेजता था, बोतल में काले धागे रंग आदि लगाकर लाता और तंत्र मंत्र कर परिजनों को कहता है कि भूत को बोतल में बंद कर दिया है, उस बोतल को घर में रखवा देता और अगली बार परिजनों को कहता कि वह तंत्र क्रिया करता है, तुम इस बोतल को। देखिए 19 तारीख की घटना है ये, एक लड़की थाने पे भागती हुई पहुंची, जिसने एक महिला कांस्टेबल थी वहाँ थाने पे मौजूद, उसके साथ अपनी पूरी घटना शेयर करी, जिस घटना में उसने बताया कि एक ढोंगी तांत्रिक उसके ऊपर कुछ जादू कर रहा है और जिस वजह से वो उसके साथ कई बार रेप की घटनाएं कारित कर चुका है। ये ढोंगी तांत्रिक बेसिकली लोगों के परिजनों से उनके घर की समस्याओं के बारे में जान लेता है और वो समस्याओं के बारे में जानकर उसके बाद उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको इस तरह से अपने वश में लेता है और कहता है कि आपके घर में भूतों का कोई प्रकोप है, भूतों के प्रकोप को निकालने के लिए वो घर के जो कमज़ोर कड़ी हैं जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनको ऊपर किसी का प्रकोप बताकर कि इनकी मृत्यु हो जाएगी और धीरे धीरे परिवार के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, उस तरह से भयभीत कर लोग इसकी झांसे में आ जाते हैं और वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो ये कहता है। जनरली ये क्या करता है कि घर में जो जवान लड़कियां हैं उनको बुरी आत्माओं का घर में साया बताकर बुरी आत्माओं को बुरे तरीके से निकालने के लिए लोगों को कहता है, जिसके क्योंकि मौत का खौफ सबको होता है, उसी के खौफ के डर से लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और इसको जो भी बाबा कहता है वो मानते जाते हैं। ऐसी ही घटना इस लड़की के साथ हुई, इसके परिजनों को एक बाबा दिल्ली में एक शादी के दौरान मिले, जहाँ पर उन्होंने क्योंकि इस लड़की के जो पिता हैं उसके मामा जी वहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, वो
इनके परिवार की समस्याओं के बारे में जानते थे और वो बाबा से शेयर कर चुके थे, लेकिन बाबा ने जब वो घटनाओं का विवरण लड़की को और उसके घरवालों को बताया तो वो बाबा की जानकारी से हैरान रह गए और उसके ऊपर विश्वास करने लगे। उसी का फ़ायदा उठाकर बाबा ने दो तीन बार अवसर पर ऐसा हुआ कि वो अजमेर आए और उन्होंने घर के ऊपरी तल पर लड़की को, जो घर में जवान लड़की थी, उसको इस बहाने परिवार वालों से अलग किया कि घर में जो बुरी आत्मा है वो उसकी साया इसके ऊपर है अभी और उसको निकालने के लिए मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। उसी के बहाने उसके साथ ये बलात्कार करता, क्योंकि जब बलात्कार होता है उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी तो घर में आवाज़ भी होती, तो उसको इस तरीके से कवर करता कि बुरी आत्माओं का साया है तो वो उसी तरीके से निकलेगा और इसके चोट भी आएंगी। लेकिन इस लड़की ने बहादुरी का परिचय देते हुए होली से पहले भी, होली के आसपास 19 तारीख को जब वो फिर से बाबा घर आया हुआ था तो ये पुलिस थाने पहुंची। इसने हिम्मत दिखाई, जो पूरा घरवाले जो इसके झांसे में आ चुके थे उससे पीछा छुड़ाकर वो पहुंची थाने पे और उसने पूरा विवरण लेडी कांस्टेबल के सामने किया।